जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी एन सिंह क्लासेज में। इसमें जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंशिएंट इंडिया का, ये उसका अगला पार्ट है। और इसमें हम लोग बात करेंगे रिपब्लिक्स, यानी कि जो गणराज्य थे एंशिएंट समय में, और जो आपके 16 महाजनपद थे उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उसको हम लोग इस पार्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो हमारा चैनल है बी एन सिंह क्लासेज, प्लीज़ उसे आप लोग सब्सक्राइब करें, हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक करें और उसे शेयर करें। ठीक है, थैंक यू। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द रिपब्लिक स्टेट इन एंशिएंट इंडिया विच हैड अ फेडरल कैरेक्टर। ठीक है, जो संघ मतलब संघीय फेडरल कैरेक्टर के थे, यानी कि संघीय कैरेक्टर के जो थे रिपब्लिक स्टेट यानी कि गणराज्य, उन्हें क्या कहा जाता था? किंगडम्स, निगम्स, जनपद, संघ। आंसर है आपके जनपद। ठीक है, देखिए प्राचीन समय में हम लोग बात करें एंशिएंट इंडिया में, तो जो टोटल 16 महाजनपद थे, इसके अलावा हम लोग बात करें तो देखिए जो जनपद थे या जो रिपब्लिक्स जो थे पुराने समय में भारत में, उनको प्योर रिपब्लिक यानी कि गणराज्य कहा जाता था। और वो आपके कह सकते हैं कि वहाँ पे क्षत्रिय जो थे, यानी कि जो क्षत्रिय कुल जो होता था, क्षत्रिय वंश, इनका एक तरह से कह सकते थे डोमिनेशन था। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी। और दो तरह के ये आपके रिपब्लिक होते थे, जो रिपब्लिक्स होते थे ये आपके दो तरह के होते थे, यूनिटरी होते थे यानी कि एकात्मक, और फेडरल स्ट्रक्चर के यानी कि संघीय स्ट्रक्चर के। ठीक है, दो तरह के होते थे, यूनिटरी और फेडरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द शाक्य क्लैन। इट वॉज सिचुएटेड नियर द बॉर्डर ऑफ नेपाल, महात्मा बुद्धाज मदर बिलोंग टू दिस क्लैन, इट हैज़ अ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कैपिटल ऑफ द शाक्य वॉज कपिल वस्तु। तो आंसर है आपका बी। ठीक है, जो आपका पहला और चौथा ऑप्शन है ये दोनों सही है। पहला जो है आपका यह है, इट वॉज सिचुएटेड नियर द बॉर्डर ऑफ नेपाल। देखिए जो शाक्य क्लैन है, यह जो गणराज्य है नेपाल की तराई में स्थित था। ठीक है, और जो महात्मा बुद्ध थे वो इसी शाक्य से यानी शाक्य क्लैन से ही बिलोंग करते थे। ठीक है, शाक्य क्लैन से ही बिलोंग करते थे। ठीक है, इनके फादर जो थे शाक्य कुल के राजा थे, यानी कि यहाँ के वो चीफ थे। ठीक है, इनकी जो माता थी, इनकी माता शाक्य क्लैन से नहीं थी, ये गलत है। इनकी जो माता थी वो कोलीय गणराज्य से बिलोंग करती थी। ठीक है, कोलीय गणराज्य, कोलीय गणराज्य से बिलोंग करती थी। इनकी जो वाइफ थी यशोधरा, इनकी वाइफ जो थी यशोधरा, ये शाक्य ही क्लैन की थी। ये यशोधरा जो थी ये शाक्य क्लैन से ही बिलोंग करती थी। ठीक है, और जो कपिल वस्तु जो शाक्य था, शाक्य क्लैन था, इसकी जो कैपिटल थी वो कपिल वस्तु थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेट ऑफ शाक्यवाज ऑक्यूपाई बाई द क्लैन इन 16th century BC। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन से क्लैन था जिसने, कौन राज्य था जिसने शाक्य क्लैन को कैप्चर कर लिया? द स्टेट ऑफ मौर्य, द स्टेट ऑफ वज, द स्टेट ऑफ कौशल, द स्टेट ऑफ गंधार। आंसर है आपका सी, द स्टेट ऑफ कौशल। ठीक है, जो कौशल है वो आपके महाजनपदों में एक था, और इसकी जो राजधानी थी वो थी आपकी श्रावस्ती। श्रावस्ती जो आज का यूपी का जो श्रावस्ती जिला है वो यही है। ठीक है, इसी के मतलब यही पुराना श्रावस्ती और यही आपका इसकी राजधानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रिपब्लिकन स्टेट इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन समय में, प्राचीन भारत में सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि जो रिपब्लिक था वो कौन था? मल ऑफ पावा, लिच्छवी ऑफ वैशाली, शाक्य ऑफ कपिल वस्तु, मल्ल ऑफ कुशीनरा। आंसर है आपका बी, लिच्छवी ऑफ वैशाली। ठीक है, जो आप लिच्छवी ऑफ वैशाली है ये सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल रिपब्लिकन था एंशिएंट इंडिया का। इसमें लगभग आपके 9 रिपब्लिकन जो मल्ल की जो स्टेट था, मल्ल जो गणराज्य जनपद था उसका मिला के, और 18 जो थे वो आपके रिपब्लिक जो थे काशी और कौशल, काशी और कौशल के गणराज्य मिलाकर ये बना था। ठीक है, ये सब इसमें इंक्लूड होते हुए थे। ठीक है, अगला है आपका, विच रूलर वाज सक्सेसफुल एनेक्सिंग द लिच्छवी ऑफ वैशाली। ठीक है, जो लिच्छवी जो आपका गणराज्य था उसको अपने राज्य में किसने मिलाया था? अशोका, अजात शत्रु, कालाशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर है आपका बी, अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु जो था ये मगध का शासक था। ठीक है, मगध का
शासक था, और इसी अजात शत्रु के समय में जो आपकी फर्स्ट काउंसिल थी बौद्ध की, फर्स्ट काउंसिल जो बौद्ध के धर्म की हुई थी वो इसी के समय में हुई थी। राजगिरी राजधानी थी उसी के, सप्तकर्णी गुफा के में हुआ था, ठीक है। और इन अजात शत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में गौतम बुद्ध की डेथ हो गई थी, गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, और राजगृह में स्तूप का इसने निर्माण किया, अजात शत्रु ने राजगृह में ही स्तूप का निर्माण करवाया, ठीक है, स्तूप का निर्माण करवाया। और अजात शत्रु के पुत्र यानी कि इनका जो उत्तराधिकारी था उदायीन, उदायीन इन्हीं ने अजात शत्रु की हत्या कर दी। उदायीन जो इनका पुत्र था उसी ने अजात शत्रु की हत्या कर दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ मल्ल सिचुएटेड? रामग्राम, पावा, सुपुता एंड मिथिला। आंसर है आपका पावा। जो मल्ल है उसकी जो राजधानी थी वो थी आपकी पावा, ठीक है। और ये जो आपका मल्ल है ये आप जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएंगे, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो आज का देवरिया जिला है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो देवरिया जिला है वो मल्ल महाजनपद था, ठीक है, वहीं पर स्थित था। और इसके दो राजधानी थी, जो आपका मल्ल था इसकी दो राजधानी थी, एक था आपका पावा और दूसरा था आपका कुशीनगर, दूसरा था आपका कुशीनगर, ये दोनों आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिला हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ कोली सिचुएटेड, ठीक है। और ध्यान रखिएगा यही जो कोलीय गणराज्य था, इसी कोलीय गणराज्य की गौतम बुद्ध की जो माता थी, ठीक है, महामाया, वो इसी वंश की थी, इसी गणराज्य की थी, ठीक है। तो जो कोलीय आपका जो कैपिटल, जो गणराज्य था इसकी कैपिटल क्या थी, ठीक है, सुनसामगिरी, कुशीनारा, रामग्राम, वैशाली। आंसर है आपका सी, ठीक है, रामग्राम या रामगाम, ठीक है। और यह आपका जो शाक्य गणराज्य है जो नेपाल के तराई में स्थित था, शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित था, ठीक है, शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित था। और रामग्राम की अगर हम लोग पहचान अगर वर्तमान समय में करें तो जो आपका वर्तमान गोरखपुर है, ठीक है, वर्तमान जो आपका गोरखपुर जिला है, गोरखपुर जिला के अंतर्गत एक आपका रामगढ़ ताल है, रामगढ़ ताल, ठीक है, इससे की गई है, रामगढ़ ताल आज का जो है वही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ भग सिचुएटेड, ठीक है, सुमसुमार, पावा, पिपलीवन और कपिलवस्तु। आंसर है आपका ए, शुमशुमार यानी कि शुमशुमा गिरी, ठीक है। देखिए जो आपका भग जो था ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे ऐत्रेय ब्राह्मण निवास करते थे, ऐत्रेय ब्राह्मण यहाँ पे निवास करते थे, ठीक है। और ये जो जगह है भग, ये आपका आज का जो मिर्जापुर है, उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर जिला है, आपको पता ही होगा मिर्जापुर जिला, ये माँ विंध्यवासिनी का बहुत फेमस मंदिर है यहाँ पे, वही आज का ये आपका भग्य है, ठीक है। और इसकी राजधानी थी शुमशुमार यानी कि सुमसुमागिरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ मुरी। ये ध्यान रखिएगा मौर्य नहीं है, मुरी है, ठीक है, मुरी कहाँ पर है, ठीक है, पिपलीवन, मिथिला, सुपुता, रामग्राम। आंसर है आपका पिपलीवन, ठीक है, पिपलीवन। जब आप गोरखपुर जिला की तरफ जाएंगे, गोरखपुर जिला में कुशुम्भी के पास स्थित राजधानी नामक गांव है, वही है आज का, वही है उस समय का मोरी है, ठीक है। राजधानी नाम का जो जगह है वही आपका मोरी वंश है, मोरी रिपब्लिक है जिसकी राजधानी थी पिपलीवन, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, द रिपब्लिक्स ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज डिस्ट्रॉय बाई विच डायनेस्टी? मौर्यान, गुप्ता, पल्लव, इंडो ग्रीक। आंसर है आपका गुप्ता, ठीक है। देखिए ये सब जो थे आपके रिपब्लिकन्स थे यानी कि यहाँ पे गणराज्य था, ठीक है,
जो शासन था वो गणराज्य था, गणराज्य टाइप का यहाँ पे शासन था, लेकिन जो आपका गुप्ता एम्पायर था ये एक प्रकार का इम्पीरियलिज्म था, इम्पीरियल शासन करते थे, यानी कि साम्राज्यवाद, शाही ताकत थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो पॉलिसी अपनाई थी वो पॉलिसी थी इनकी एक्सपेंशन की पॉलिसी। ठीक है, एक्सपेंशन की पॉलिसी यानी विस्तारवादी। तो सबसे पहले तो जो गुप्त गुप्ता पीढ़ के जो राजा थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट, उन्होंने अपने अगल बगल के जो भी नेबरिंग स्टेट्स थे वहाँ पे उन्होंने अटैक किया। उसके बाद जो बचा खुचा था वो आपका समुद्रगुप्त ने, और जो उसके बाद जो सब बच गया उसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये क्वेश्चन समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग मौर्यन एम्पायर पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ जो हमारा चैनल है बी एन सिंह क्लासेज, उसे प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।